पटना के बाहर एक बहुत पुराना स्कूल था, नाम था कालीघाट विद्यालय। बिल्डिंग इतनी पुरानी थी कि दीवारों पे से साफ पता चलता था। ये स्कूल पढ़ाई के लिए तो फेमस था ही, लेकिन इसके साथ एक डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई थी, एक ऐसी कहानी जिसने सबको हैरान करके रखा था। अब मैं आपको मिलवाता हूँ रोहित से, जो इसी स्कूल में पराचता था। रोहित बहुत होशियार और जिज्ञासु था, उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो अक्सर स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। एक दिन लाइब्रेरी में कुछ अजीब हुआ। उसने एक पुरानी किताब देखी जिसकी जिल्द फटी हुई थी और उस पर खून के धब्बे थे। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने किताब खोल ली। उसमें एक डरावनी कहानी थी जिसमें लिखा था कि इसी स्कूल में एक बार एक जादूगरनी पढ़ाती थी। इस जादूगरनी का नाम था मंजरी। वो अपनी कक्षा की सबसे होशियार छात्रा थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। मंजरी को काले जादू में बहुत रुचि थी और वो जंगल में जाकर जादू टोना प्रैक्टिस करती थी। एक रात काले जादू के रिचुअल के दौरान उससे गलती से अपने ही क्लासमेट की जान चली गई। गांव वालों ने गुस्से में उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई कि वो स्कूल में वापस आएगी और बदला लेगी। जैसे ही रोहित ने कहानी पढ़ी, उसने जल्दी से किताब वापस रख दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात मंजरी उसके सपने में आई और उससे बदला लेने की बात करने लगी। उसने देखा कि मंजरी की आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा, वो पसीने में पूरा भीग गया और पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन रोहित ने ये डरावनी कहानी अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो बहुत ज्यादा डरावनी कहानियां पीआरएच रहा है। रोहित ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। वो बहुत उदास हो गया और उसे लगा कि वो बिल्कुल अकेला है। कुछ दिन बाद स्कूल में अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चों ने लाइब्रेरी से अजीब आवाजें सुनना शुरू कर दी और कुछ ने तो मंजरी की परछाई भी देखी। लाइब्रेरी में किताबें अपने आप गिरने लगी और वहां का माहौल बहुत डरावना हो गया। टीचर्स भी इन घटनाओं से परेशान हो गए, लेकिन उन्हें लगता था कि ये सब बच्चों की शरारत है। एक दिन रोहित ने हिम्मत करके फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात को लाइब्रेरी जाने की प्लान बनाई। वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बाज गई थी कि वो हर हाल में सच जानना चाहता था। उसने अपनी दोस्त रिया को भी इस बारे में बताया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। रिया ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रोहित के जिद के आगे उसे मानना पड़ा। रात को जब सब सो रहे थे, रोहित और रिया चुपके से स्कूल की लाइब्रेरी में घुस गए। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट चली गई। वो दोनों बहुत डर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने टॉर्च निकाली और किताबों के बीच उस पुरानी किताब को ढूंढने लगे। अचानक रिया ने मंजरी की परछाई देखी। उसने रोहित को इशारा किया और दोनों ने परछाई का पीछा करना शुरू कर दिया। परछाई उन्हें लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में ले गई, जहां एक पुराना दरवाजा था। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो दोनों अंदर चले गए। अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर जली हुई लकड़ियां पड़ी थी। वहां एक पुरानी अलमारी थी जो काले जादू की किताबों से भरी हुई थी। रोहित ने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में मंजरी के जीवन और उसके काले जादू के बारे में लिखा था। रोहित को समझ आ गया कि मंजरी की आत्मा अभी भी इस जगह पर भटक रही है और उसे मुक्ति चाहिए। जैसे ही रोहित ने किताब पढ़ना शुरू की, मंजरी की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी किताब पढ़ी है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहित और रिया दोनों डर के मारे कांपने लगे। मंजरी ने एक भयानक चीख मारी और उन पर हमला कर दिया, लेकिन रोहित ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो मंजरी की आत्मा को मुक्त कर सकता था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंजरी की आत्मा ने एक जोरदार चीख के साथ कहा,
तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। मंजरी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और रोहित और रिया ने राहत की सांस ली। वो दोनों वहां से भागे और स्कूल के बाहर आ गए। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना के बारे में बताया। गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने लाइब्रेरी की हालत देखी तो उन्हें यकीन हो गया। गांव वालों ने फैसला किया कि वो स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कालीघाट विद्यालय अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी डरावनी कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। लोग कहते हैं कि स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन वहां से गुजरते वक्त आज भी लोगों को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस तरह कालीघाट विद्यालय की ये भयानक कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। रोहित और रिया की बहादुरी ने भले ही मंजरी की आत्मा को मुक्ति दिलाई, लेकिन उस रात की घटनाओं ने उन्हें भी हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी लोग उस स्कूल के पास जाने से डरते हैं और इस डरावनी कहानी को याद करके सिहर उठते हैं।